Right, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सुनिए, अभी तक जो लॉग में पढ़े हैं आप समझ जाइए, सबको भूल जाइए, सिर्फ एक पॉइंट पढ़े आप, यहां लिख दे रहे हैं, वो पॉइंट है, बोलिए, नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर आर एच एस। कोई प्रॉब्लम? बोलिए नंबर इज इक्वल टू, बोलिए बेस टू द पावर आर एच एस। बस इतना ही समझिए सीखे हैं आप। दूसरी बात आप सीखे हैं कि नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, बेस नॉट इक्वल टू वन। इतना अब आगे सिखाने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के पास क्या प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट देखिए, लॉग के नाम में थोड़ा हम संशोधन करके इसका नाम क्या रख देते हैं, लॉग बाबा। क्या रख दिए? बाबा जैसा ही। बाबा का नाम सुने ना, बाबा समझते हैं ना, चमत्कार बाबा कुछ करते हैं, तो लॉग भी चमत्कार करता है। क्या करता है? आखिर हम लॉग क्यों पढ़ते हैं ये भी तो जानना होगा ना, लॉग क्यों पढ़ते हैं, लॉग में क्या चमत्कार होता है। आइए सिखाते हैं जस्ट अभी आपको लॉग एम इन टू एन। देखिए अभी ये जो फंक्शन है वो मल्टीपल में कि एडिशन में है? मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल है या एडिशन है। मान लिया अभी मेरे पास कोई सामान है और उसको पाउडर में कन्वर्ट करना है, किसमें? पाउडर में। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडर लेते हैं, ग्राइंडर समझते हैं ना, मिक्सचर ग्राइंडर जो बोलते हैं आप लोग, तो मिक्सचर में डाले दो तीन पर स्विच ऑन किए तो क्या बन जाता है वो, तो बताइए अगर आप उसको पाउडर में कन्वर्ट करना है तो आप किसके पास चले गए? मिक्सचर मशीन के पास। इसी टाइप से अगर कोई फंक्शन मल्टीपल में है, किसमें है? मल्टीपल। और आपको मन हुआ सर मल्टीपल में हो गया, हमको एडिशन में बदल दीजिए ना, तो सर बदल देंगे, लॉग बाबा के पास जाना होगा। कहाँ जाना होगा? यही लॉग बाबा कहता है कि देखिए हमें कैसा है यहाँ मल्टीपल, क्या है मल्टीपल, तो मल्टीपल को किसमें कन्वर्ट कर देता है लॉग बाबा, एडिशन में। सीख गए? कोई दिक्कत? अब यहां पर थोड़ा सा एक क्रिटिकल फॉर्म हो रहा है पॉइंट्स, जिसको बताना चाहते हैं रामबाण में। क्या में? रामबाण में क्या है सुनिए, बच्चा अपने आप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेनिस्ट होता है और वो अपना ब्रेन को कैसे यूज करता है देखिए। हम बच्चा को बताए कि देखो लॉग में प्रॉपर्टीज है कि मल्टीपल को किस में कन्वर्ट किया, आवाज दीजिए, एडिशन में। मल्टीपल को किस में? एडिशन में। आगे नहीं कुछ बताए हम, बच्चा अपने आप समझ गया हो मल्टीपल को एडिशन में, इसका मतलब एडिशन को मल्टीपल में, अपने आप ब्रेन लगा लिया। अब यहां से पढ़ के जाइएगा ना तो आपको डेटा में कोई पूछेगा सुनो लॉग एम प्लस एन क्या होगा, ठीक, बच्चा बोला अरे तुरंत ब्रेन लगा लिया, सर पढ़ाए थे लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। आज पूछा क्या गया लॉज में आपको, लॉग एम प्लस एन, वो मल्टीपल में प्लस होता है तो प्लस में क्या होगा, तो बच्चा बोला लॉग एम इंटू एन होगा, तो आप समझ लीजिए 150% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बच्चा कहेगा सर जब ये इसके बराबर है, जब मल्टीपल प्लस में हो सकता है तो प्लस मल्टीपल में क्यों नहीं होगा, अलग अलग रहेगा। गुड, अलग अलग रहेगा, यही बात को हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। देखो यहां और यहां अंतर समझो, हड़बड़ी में बच्चा नहीं समझ पाता ये अंतर। यहां लॉग एम प्लस लॉग एन है, लॉग एम प्लस लॉग दो बार यूज हो रहा है और यहाँ क्या है पढ़िए, एक बार यूज हो रहा है, मतलब अगर दो बार यूज हो तब फार्मूला है, एक बार लॉग हो एडिशन के साथ फार्मूला नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई पूछा कि लॉग एम प्लस लॉग एन बताइए लॉग कितना बार है, दो बार, तो बोलिए जी सर मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, 100% करेक्ट। लेकिन जब एक लॉग है तो क्या होगा बोलिए, नो फॉर्मूला, क्या हो गया, फॉर्मूला ही नहीं होगा। अब कुछ
ऐसा बच्चा है ना जो टेक्निकल तो है लेकिन बैड टेक्निकल है, मतलब दिमाग उल्टा लगाता है। देखिए वो क्या कहेगा, बोलेगा कि सर इसमें से लॉग लॉग कॉमन नहीं ले लेंगे, यही ना आ गया। तो ऐसा बच्चा सिर्फ बच के रहना रे बाबा, वैसा बच्चा लॉग लॉग नहीं कभी दोनों में से कहेगा एल कॉमन ले लिए, ओ जी एम ओ एन एन, आसम है ना, ओ जी एम ओ जी एन, ऐसा भी कह सकता है। ये सब कोई लॉजिक नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे। फाइनली इतना बात समझे, अलग अलग दो लॉग रहेगा तो फॉर्मूला है, एक लॉग में एडिशन रहेगा तो फॉर्मूला नहीं है। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बच्चा इसी पॉइंट पर हो जाता है कंफ्यूज, उसको हम पहले डांबान करके तार तार कर देंगे। नोट कीजिए, देखिए कब तक चलता है, कटेगा तिवारी कर लीजिएगा, तिवारी देखेगा कि हाँ के नेट यूज होता है तो कल सब सेंड कर देगा। चलिए नोट कर लिए इसको, तब सुनिए था। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट आप सीखे कि मल्टीपल रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड आप सीखिए लॉग एम बाई एन, एम बाई इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। फिर लॉग बाबा के पास क्या कैपेसिटी है, मल्टीपल को किस में कन्वर्ट करता है बोलिए, एडिशन में। तो डिवीजन को किस में कन्वर्ट करता है, सब्ट्रैक्शन में। किसमें? अब आइए थर्ड प्रॉपर्टीज, लॉग एम टू दी पावर एन। अब यहां ध्यान दो, प्रॉपर्टी थर्ड तो है, अब इसमें ट्रिपल स्टार लगा दिए। तो आप बोलेगा सर ट्रिपल स्टार क्यों लग गया, इसलिए लग गया ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो लॉग के सिवा किसी फंक्शन में नहीं है। कौन सा प्रॉपर्टीज, पावर वाला, बोलिए लॉग बाबा पावर को मल्टीपल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ? मतलब आज के बाद कभी भी हमको अगर पावर को मल्टीपल में लाना हो तो किसके पास जाएंगे, याद करिए जब 12 में आप जाइएगा तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, 11th में तो पढ़ाए थोड़ा सा, 12 में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। उसमें ऐसे देगा आपको क्वेश्चन, एक्स का पावर साइन एक्स का बोलेगा डिफरेंशिएट करो, एक्स का पावर साइन एक्स। तो बाजार का बच्चा हम तुरंत दोनों साइड लॉग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लॉग लगा दिए। तो जो बच्चा 11th नहीं पढ़ा 12 में आया, वो बच्चा को लग रहा अरे गुरुजी तांत्रिक हैं, क्वेश्चन को देखिएगा क्या समझ गए, लॉग। लेकिन 11th का बच्चा समझेगा, कोई तांत्रिक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पावर का चीज मल्टीपल में किसके कारण आएगा, लॉग बाबा के कारण। लॉग बाबा यहां बोले हैं कि पावर में लॉग लगाओगे तो मल्टीपल हो जाएगा। तो बताइए यहां पर क्या हो गया, लॉग वाई, और जब पावर मल्टीपल में आ गया तो साइन एक्स इंटू कितना, लॉग एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन में सीखे हुए हैं उसको, यू इसको क्या मानेंगे, यू इंटू वी पर डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। तो आप बताइए डिफरेंशिएशन तो जान रहे हैं आप, लेकिन पावर के फॉर्म में फिर हो गए तो कौन आपको केयर किया, लॉग। समझ आया? तो जहां भी क्या बोले भी हम, जहां भी पावर का फॉर्म रहेगा, डिफरेंशिएशन को आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए लॉग लगाते हैं। क्या करते हैं आप लोग, फिजिक्स में भी पढ़े होइएगा, केमिस्ट्री में भी पढ़े होइएगा, रंग बिरंग का ऐसा कुछ कुछ आ जाता, हम तो भूल गए हैं, 3 × मान लीजिए 10^5 ऐसे कुछ रहता है। तो सर क्या करते हैं, तुरंत क्या लगा देते हैं, लॉग। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि इसका पावर करेंगे तो 10^5 गुना करना पड़ेगा, फिर 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, काफी लार्ज हो जाएगा। तो बचने के लिए क्या करते हैं, वो क्या लगा देते हैं, लॉग। और लॉग के पास अंदर में देखिए क्या है, यहाँ पर इंटू, तो इंटू में क्या सिखाए, अलग अलग एडिशन।
तो log 3 प्लस log 10 का पावर 5, और फिर log 3 का मान केमिस्ट्री के किताब में, फिजिक्स के किताब में साइड में दिया रहता है, log 3 का मान, log 2 का मान, है ना, वो मान यहाँ पुट कर देंगे, इसका वैल्यू याद नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर पावर मल्टीपल में ले दीजिए, 5 log कितना हो गया बोलिए, 10, और log 10 का मान हम ही पढ़ाएंगे आपको 1 होता है, क्या होता है, तो बताइए 5 × 1 क्या हो गया, और इसका जो मान हो पुट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो बताइए आप समझ गए क्यों वो लगाते हैं, बात समझ में आया कि नहीं, क्यों लगाते हैं, कभी यहाँ पर 3 के जगह रहेगा 5, कभी रहेगा 7, तो वगैरह वगैरह जो रहेगा वो मेंशन रहेगा, अगर मेंशन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो बाजार में एक लॉग का टेबल आता है, ऐसे केमिस्ट्री वाले कैसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वैसे टेबल आता है, टेबल से देख करके वैल्यू को डालिए, ओके, मतलब हम मेन हमको ये सब व्यू नहीं था, मेरा व्यू था लॉग लगाते क्यों है, जहां भी लॉग लग रहा है समझ जाइए उनका व्यू है कि पावर को किस में कन्वर्ट करिए, मल्टीपल में कन्वर्ट करिए, ओके, चलिए नोट कीजिए। पूछ रहा है तो पूछिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अकेले पूछना है किसी को।